आज मेनू में है दाल मखनी, एक ऐसी डिश जो इंडियन रेस्टोरेंट्स की जान है। इसे बनाने के अलग अलग तरीके हैं और ये मेरा तरीका है। मैं लखबीर चहल। तो सबसे इम्पोर्टेंट दाल मखनी में है उड़द दाल, होल उड़द दाल जो हमने कल भिगो के रखी थी। इसे भिगोए हुए कम से कम 12 से 13 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये एकदम खिल के आई हुई है। इसका रंग पूरा बदल चुका है, हरी हरी हो चुकी है ये। और हमने इसमें ऐड किया है राजमा। राजमा इसमें इतना डाला है कि जो किस्मत वाला है उसकी कटोरी में राजमा जाएगा। ऐसे नहीं कि सबकी कटोरी में राजमा और काली दाल जाए। राजमा और काली दाल की जो क्वांटिटी है वो एकदम डिफरेंट है, अलग दाल से। ना ही हम इक्वल लेंगे, काली दाल ज़्यादा होगी। अगर मैंने आधी के जी काली दाल आज बना रहा हूँ तो मैंने राजमा बस 50 ग्राम लिया हुआ है। हमें दाल को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के धोना है। कम से कम इसको हम लोग 3 से 4 बार रगड़ रगड़ के धोएंगे, उसके बाद इसका पानी छान देंगे। तो हमने अभी पानी निकाल दिया है, दाल अच्छी तरह धुल गई है। अभी हम इसको एक बॉईल करेंगे, फर्स्ट बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको ड्रेन आउट करेंगे। तो हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अभी हम इसमें अपने दाल डालेंगे जो भिगो के रखी थी। गर्म पानी में दाल डालनी है। अभी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे, इसको एक बॉईल हम उबाला देंगे। उबाला देने के बाद इसको हम लोग छान देंगे। छानने के बाद हमने दूसरी जगह में गर्म पानी डाला हुआ है, उबलने के लिए रखा हुआ है, इसमें छानी हुई दाल हम डालेंगे। आप देख सकते हो ये झाग आ रही है, ये पूरी गंदगी है, हमें इस गंदगी को साफ करना है। इसको अभी ये जैसे बॉईल हो जाता है हम इसको स्ट्रेन कर देंगे और फाइनली दाल बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। तो थोड़ी देर में एक बॉईल आने देते हैं और उसके बाद छान देते हैं। हमने दाल छान ली है, अभी हम लोग उबलते हुए पानी में डालते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं हमने अभी। देगी मिर्च डाल देते हैं। आपने देखा मैंने इसमें ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल और लाल मिर्च, देगी मिर्च पाउडर। अभी हम इसको बॉईल होने के लिए देंगे, इसको ढक देते हैं। इसको कम से कम बॉईल होने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। बीच बीच में हम लोग इसकी जो गंदगी छिलके आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, उसको साफ करते रहेंगे। तो इसको आराम से बंद करके इसको उबलने देते हैं। इसको जब भी आप चाहे तो इसको कुकर में भी डाल के बॉईल कर सकते हो, लेकिन कुकर में आपके छिलके मैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आपकी दाल अलग हो जाएगी। जो हमें डिज़ायर कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको थिक बॉटम पैन में ही बॉईल करना पड़ेगा। ये डालते हैं इसमें, पोटली में डालेंगे 3 बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग और तेज पत्ता। ये हमारे काले मसाले हैं, इसको हम अच्छी तरह बांध लेते हैं। इससे हमारी दाल में एकदम अच्छा सा फ्लेवर आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा। हमने इसको थोड़ा सा कूटा है, इसलिए कूटा है ताकि इसके जो अंदर फ्लेवर्ड ऑयल है इनके, वो बर्स्ट हो जाए और अच्छी तरह फ्लेवर घुल जाए हमारी दाल में। पोटली तैयार है, आपने देखा इसमें पूरे गर्म मसाले डाले हुए हमने। अब इसको हम लोग उबलते हुए दाल में डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह घोट लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा घोट लेंगे ताकि जो दाल में लेस बनना है वो छोड़े और ये दाल क्रीमी हो जानी चाहिए। जो दाल में लेस बनना है वो छूट जाएगा, दाल एकदम मैश हो जाएगी। तो चलो हम लोग इसको घोट लेते हैं अच्छी तरह। अभी हम
हमने इसको अच्छी तरह घोट लिया है दाल को। धीरे धीरे ये धीमी आंच में पक रही है दाल। जब तक पक रही है दाल, हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए देखिए, हमने अब पैन लिया है, इसमें हम घी डालेंगे। घी डाला है। घी के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह पका लेते हैं। पकाने के बाद में इसमें अभी डालेंगे हम लोग टमाटर प्यूरी। मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है, आप चाहे तो टमाटर प्यूरी यूज कर सकते हो। प्याज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टमाटर ही जाएंगे इसमें। टमाटर प्यूरी डाला, इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डाल लें। अभी हम नमक डालेंगे तो जो इसमें पानी है वो जल्दी छूटेगा और अच्छी तरह पक जाएगी। और इसमें डालेंगे हम लोग लाल मिर्ची, जो हमने देगी मिर्च ली है। हमारे टमाटरों में एकदम बढ़िया रंग पकड़ लिया है। हमने देगी मिर्च इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस होगा और बढ़िया कलर करेगा। अगर आपके पास में देगी मिर्च नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्राई चिल्ली को बॉईल कर लीजिए। एकदम अच्छी तरह बॉईल करने के बाद में उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आप बॉईल करते हो तो उसका तीखापन कम हो जाएगा। तीखापन कम हो जाने के बाद आप उसका अच्छी तरह पेस्ट बना सकते हो ठंडा करके, और उसको आप इसमें भून सकते हो। जैसे आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसके बाद में चिल्ली पेस्ट डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह भून लीजिए, फिर आप टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। मेरे पास में मदनी है या कोटनी, आप दोनों में से कुछ भी लीजिए और इसको अच्छी तरह मैश कीजिए। इतना ही आप मैश करोगे इतना ही ये क्रीमी बनेगी। दाल मखनी का मेन चीज है क्रीम, क्योंकि इसमें बस बटर है, क्रीम है, और फ्लेवरफुल दाल मखनी आपकी तैयार हो जाएगी। दाल मखनी केवल रेस्टोरेंट में ही क्यों मिलती है? क्योंकि दाल मखनी बनाने में कम से कम एक दिन पूरा लग जाता है। रेस्टोरेंट में तो क्या होता है, तंदूर होते हैं, रात में शेफ जाने से पहले तंदूर के ऊपर दाल, बॉइल दाल चढ़ा के चला जाता है और अगले दिन आके निकाल लेता है। उससे उनकी गैस की भी बचत हो जाती है और आपको सुबह सुबह आके दाल मैश मिलती है। लेकिन घर में आपके पास ये सब सुविधा होती नहीं है, आपको गैस कभी खाली मिलेगा ही नहीं। हमारा टमाटर प्यूरी अच्छी तरह भुन चुका है, अभी हम इसे दाल में डाल देते हैं। अभी हम इसमें इसे दाल में डालेंगे उठा के, तो दाल में डालते हैं हमारी। हमारा टमाटर प्यूरी दाल में चला गया, आप देख सकते हो। हमने टमाटर प्यूरी दाल में ऐड कर दी है और दाल ने एकदम सुनहरा रंग पकड़ लिया है। अभी हम डालेंगे बटर। जितना बटर डालेंगे उतना आएगा स्वाद। इसके ऊपर डाली हमने क्रीम। आखिर में हम डालते हैं इसके ऊपर कसूरी मेथी। एकदम रेस्टोरेंट जैसी दाल बनी है हमारी आज।
बढ़िया खुशबू। चलो इसकी प्लेटिंग करते हैं अभी हम। दाल की प्लेटिंग के लिए हम एक बॉल ले लेते हैं और उसमें डालते हैं। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए कि रोटियों के साथ डालें तो रोटियों में ही चिपक जाए। खुशबू एकदम बढ़िया है दाल की। दाल की गार्निश के लिए हम करेंगे, दाल में डालेंगे बटर, क्रीम डाली इसके ऊपर, थोड़ी सी मेथी, हमारी दाल मखनी बन चुकी है। बहुत ही बेहतरीन बनी है, एकदम स्वाद बनी है, जैसा चाहिए रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी ही बनी है। आप ये रेसिपी से घर में बनाइए, पूरे परिवार को खिलाइए और शेयर कीजिए कैसी लगी दाल मखनी। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप कुकिंग। थैंक यू वेरी मच।